रेशे वाले शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है वो ये हैं, 1 किलो गोश्त और 1.5 पाव दाल है चने की, 1 पूरा लहसुन है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3 दरमियाने अदरक के प्याज हैं, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च हैं और 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च हैं और ये 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च हैं, ये गरम मसाला है, ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और ये 1 टेबल स्पून जीरा है और 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। ये 1/2 चम्मच ऑयल डाला है और ये सारे मसाले डाल रहे हैं, ये प्याज लहसुन अदरक का, अभी थोड़ा सा जरा इसको भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए, उसके बाद फिर पानी डालूंगा। ये हम इसमें 2 ग्लास के करीब पानी डाल रहे हैं, ये 20 मिनट के लिए अभी हम इसे कुकर बंद कर रहे हैं, 20 मिनट के बाद दोबारा हम, ये 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें चने की दाल दाल और गोश्त जो है गल गया, हम ये पानी फिल्टर करके फिर इसको पीसेंगे। हम गोश्त और दाल को चॉपर में पीस रहे हैं और बीच में ये पुदीना डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और धनिया डालेंगे। रखा था फ्रिज में थोड़ी देर के लिए और अब ये इसके हम कबाब बना रहे हैं। अब हम कबाब फ्राई करना है। ये शामी कबाब रेशे वाले तैयार हो गए हैं, साथ चटनी है, कबाब है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, बहुत मज़े के हैं। एक दफ़ा आप भी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं।